नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 सीबीएसई क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा कॉमा z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ये दो वैल्यू गिवन है z1 की और z2 की। हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, हमें फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखते हैं मॉड गिवन है। ठीक है, मॉड गिवन है यानी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेंगी। मॉड के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव रहती है तो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अभी z का मतलब क्या है, z मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई के अंदर। ठीक है, और अगर हम मॉड्यूलस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस गिवन है यानी हमें इसका मॉड फाइंड करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो z का मॉड्यूलस क्या होता है, z का मॉड्यूलस होता है मॉड ऑफ z। ठीक है, जो किसके बराबर रहता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। यानी हमें ये वैल्यू पुट करते हुए फाइंड करना है कि इसका मॉड क्या होगा। ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे x और y चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन टर्म है यानी हमें इसे दो टर्म के अंदर यानी इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको मॉड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना मॉड के फाइंड करते हैं। बिना मॉड के फाइंड करेंगे मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे, यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बस मैंने z1 और z2 की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है इनको खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, 1 प्लस 1 2 और ये माइनस आयोटा यानी माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर बच जाएगा 1 माइनस आयोटा, 2 1 जा 2 2 जा क्या वैल्यू आई, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे रैशनलाइज करना है, हमें रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो किसकी इक्वल होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। ठीक है, यहाँ पे यूज कर देंगे आइडेंटिटी, तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर दी यहाँ पे, ठीक है आइडेंटिटी यूज कर दी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले में फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कैसे आने वाली है, 2 से डिविजिबल आने वाली है, तो फिर से ये वाला टर्म हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा बचेगा डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ले लिया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल यानी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यानी कि हमारी z की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें मॉड ऑफ z चाहिए था यानी इसका मॉड चाहिए हमें 1 प्लस आयोटा का, तो मॉड के इक्वल क्या रहता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, उसी तरह y की वैल्यू जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ 1 है तो y की वैल्यू है 1, इसके अंदर पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। यानी कि जो हमें गिवन वैल्यू थी, हमारी गिवन वैल्यू क्या थी, ये हमारी गिवन वैल्यू थी, तो इसके इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट 2, ये हमारी वैल्यू आ गई है, हमने फाइंड कर दिया है।